आपने बहुत बार प्राचीन लोगों के बारे में ऐसा देखा, पढ़ा या सुना होगा कि वे लोग जो सोचते थे वो प्राप्त कर लेते थे, जो बोलते थे वो सच हो जाता था। उनकी कल्पना शक्ति और वाक शक्ति इतनी मजबूत थी कि उनकी सोची या कही हुई बात सत्य हो जाती थी। आपने यह भी सुना होगा कि कोई व्यक्ति गुस्से में या प्रसन्न होकर किसी व्यक्ति को श्राप या आशीर्वाद देता था और उसकी कही हुई बात सच होने लग जाती थी। पर क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा उनके साथ ही क्यों होता था? आज के समय में ऐसा क्यों नहीं होता? तो ऐसा नहीं है, आज के समय में भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनकी कही हुई बात, आशीर्वाद, श्राप, ये सारी चीजें सच हो जाती हैं। आप भी ऐसा कर सकते हो, पर सवाल यह उठता है कि आखिर यह सब होता कैसे है? वो कौन सी शक्ति है जो इतनी ज्यादा पावरफुल है, जो हमारी कही हुई, सुनी हुई, सोची हुई बात को सच कर देती है? मैं आपको बता दूं, इन सभी चीजों के लिए जो सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल चीज है वो है आपका चेतन, अवचेतन और अचेतन में। और आज इस वीडियो में हम इसी के बारे में जानेंगे। जो भी व्यक्ति अपने इस मन की ताकत का सही से इस्तेमाल करना सीख जाए, इस पर कंट्रोल करना सीख ले, तो वो इस ब्रह्मांड में मौजूद आध्यात्मिक शक्तियों और मन की विराट शक्तियों की मदद से अपने और दूसरों के लिए हर चीज संभव बना सकता है। लेकिन इसके पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आज इस वीडियो को आप ध्यान से देखें, सुनें और मेरी कही हुई बातों को समझने का प्रयास करें। आपने अपने लाइफ में कभी न कभी यह जरूर देखा होगा कि आपने किसी व्यक्ति को याद किया, उसके बारे में सोचा और तुरंत ही या तो उस व्यक्ति का फोन आ जाता है या फिर वह खुद ही आ जाता है। कई बार आप किसी घटना के बारे में सोचते हो, थोड़ी ही देर बाद वह घटित हो जाती है। आप किसी व्यक्ति को देखते हो, किसी जगह को देखते हो, कोई घटना के बारे में सुनते हो और आपको लगता है कि यार मैंने इसे पहले कहीं देखा, सुना या महसूस किया है। असल में यह सारा खेल आपके मन का है। मित्रों, हमारे जीवन के सारे खेल को खेलने वाला, भूत, भविष्य और वर्तमान से संबंध रखने वाला मुख्य रूप से इन तीन स्तरों पर कार्य करता है। पहला बुद्धि, दूसरा मन और तीसरा आत्मा। यदि आपकी चेतना थोड़ी सी जागृत हो जाए तो आप बड़ी आसानी से इन तीनों में भेद करना सीख जाते हो। सरल शब्दों में कहें तो आपकी शक्तियां इन तीनों दरवाजे में बंद है, पहली बुद्धि, दूसरा मन और तीसरा आत्मा। आपका चेतन मस्तिष्क बुद्धि के लेवल पर कार्य करता है, आपका अवचेतन मस्तिष्क आपके मन के लेवल पर कार्य करता है और आपका सुपर कॉन्शियस यानी अचेतन मन आपके आत्मा के लेवल पर कार्य करता है। और मेरा लक्ष्य यही है कि मैं आपको ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियां दूं जिससे आप अपनी लाइफ में उस आत्म सुख का अनुभव कर सको जो एक सच्चे और संपूर्ण इंसान को प्राप्त हो सकती है। असल में हमारा मन दो भागों में बटा हुआ है, चेतन और अवचेतन मन। चेतन मन पूरे मन का 10% है और अवचेतन मन 90% होता है। इस 90% में भी आपके कुछ भाग सुपर कॉन्शियस माइंड यानी अचेतन मन का होता है और इस अचेतन मन तक आप सिर्फ समाधि में ही पहुंच सकते हो। और यदि आप इस लेवल पर पहुंच जाते हो तो आप अपने भूत और भविष्य की आदतों में भी एक बड़ा बदलाव ला सकते हो। कुछ ऐसी आदतें जो जेनेटिक होती हैं, आप उसमें भी बदलाव ला सकते हो यदि आप सुपर कॉन्शियस लेवल पर पहुंच जाते हो। पर उससे पहले हमें अपने चेतन और अवचेतन मन के बारे में समझना होगा। ईश्वर ने हमारे मन में ही ब्रह्मांड की सारी शक्तियां दे रखी हैं। यदि आप इसके प्रयोग की विधि समझ जाए तो आप स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती, आइंस्टीन, निकोला टेस्ला जैसे महान वैज्ञानिकों में आप भी शामिल हो सकते हो जिन्होंने इस रहस्य को समझा और इसे अपने जीवन में प्रयोग किया है। दोस्तों, हमारा अवचेतन मन हर वक्त कार्य करता है, न सिर्फ जागते हुए बल्कि जब आप सो जाते हैं उस समय भी यह कार्य करता रहता है 24/7 बिना थके बिना रुके। और मेरा खुद का ही यह चिंतन है कि मनुष्य जिस ईश्वर के बारे में बात करता है कि वह हर वक्त हर चीज में मौजूद है और वह आपके सभी कर्मों का, आपके अच्छे और बुरे विचारों का हिसाब रखता है, वह असल में ईश्वर के द्वारा आपके अंदर डाला गया मन रूपी प्रोग्राम ही है जो ईश्वर की शक्तियों के बराबर की ही क्षमता रखता है जिसे आप मन कहते हैं। मन का ही प्रभाव आपकी बुद्धि और आत्मा दोनों पर पड़ता है। मन वह शक्ति है जो आपकी जिंदगी को स्वर्ग बना सकता है या फिर नर्क बना सकता है। इसलिए मन को समझना, इस पर अधिकार प्राप्त करना आपके जीवन का एक महत्वपूर्ण लक्ष्य होना चाहिए। आप जितना ज्यादा इसे समझोगे, इसके सामने मजबूती से खड़े रहोगे, आपकी आत्मशक्ति उतनी ही मजबूत होती जाएगी। हम सभी में एक बहुत बड़ी समस्या यह है कि जीवन भर हम सभी यह नहीं जान पाते हैं कि आखिर हमें अपने मन से कैसे कार्य करवाना है। और चेतन मन की जो वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी सिस्टम है वह ऐसी है जो ईश्वर से जुड़कर हमारे किसी भी कार्य, किसी भी सपने को हकीकत में बदलने की क्षमता रखता है।
आप इसकी ताकत का अंदाजा बस ऐसे लगा लो कि आज तक हम में से कोई भी व्यक्ति भूतों को नहीं देखा है और न ही उसकी किसी हरकतों को देखा है। बचपन से ही उसके किस्से कहानियां बार बार हमें सुनाई जाती थी। उसका डर हमारे अवचेतन मन तक पहुंच चुका है और अब अगर आप कोई डरावनी मूवी भी देख लेते हो जहां आपको पता है कि भूत कभी भी टीवी से बाहर नहीं आ सकता, ऐसा कुछ नहीं है। यह सब कुछ आपका चेतन मन जानता है। यह सिर्फ ड्रामा है, यह भी आप जानते हो। यह मनोरंजन के लिए बनाया गया है, यह भी आप जानते हो। लेकिन फिर भी आप पूरी तरीके से डर जाते हो, बीमार पड़ जाते हो और कुछ केस में इंसान की मौत तक हो जाती है। यही है आपके अवचेतन मन की ताकत। यदि कोई विचार दृढ़ता से आपके अवचेतन मन तक पहुंच गई है तो आपका शरीर वैसे ही प्रतिक्रिया देगा, आपके सामने वैसे ही चीजें मौजूद होने लगेंगी, वो सारी चीजें सच होने लगेंगी। हमारा अवचेतन मन इतना शक्तिशाली है कि इसके लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं है, बशर्ते एक बार आपके विचार इस तक पहुंच जाएं। अगर आप अपने अवचेतन मन तक अपने विचारों की कला को पहुंचाना सीख जाते हो तो आप अपने जीवन में हर एक क्षेत्र में सफलता हासिल कर सकते हो, हर एक ऊंचाई को हासिल कर सकते हो, आप हर वह चीज साकार कर सकते हो, अपने लिए वह हर संभव बना सकते जिसे आप पाना चाहते हो, जिसे हकीकत में बदलना चाहते हो। अब आपके मन में यह सवाल उठ रहा होगा कि आखिर कैसे हम अपने अवचेतन मन तक बात पहुंचा सकते हैं। तो देखो, अवचेतन मन की शक्तियों और इसे अपने अकॉर्डिंग रिप्रोग्राम करने की बहुत सारी टेक्निकें हैं, जिसे मैं आपको अपनी वीडियो के माध्यम से बारी बारी से बताता रहूंगा। पर इसके साथ साथ आपको बस करना यह है कि मैं जो भी आपको टेक्निक बताऊं आप उसे देखो, समझो। जिस टेक्निक के लिए आपके मन की वाइब्रेशन सबसे तेज हो, सबसे प्रबल हो, आपको लगे कि यह मेरे लिए कार्य कर सकता है, आप उसका पूरे विश्वास, पूरे बिलीफ सिस्टम पूरे दृढ़ता से पालन करो, उसे प्रयोग करो, फिर देखो आपकी लाइफ में बदलाव आना शुरू हो जाएगा। दरअसल अवचेतन मन की एक खासियत है कि यदि कोई सकारात्मक या नकारात्मक विचार इस अवचेतन मन में डाल दिया जाए तो यह उस विचार को हकीकत में बदल कर ही मानेगा। फिर दुनिया में ऐसी कोई भी शक्ति नहीं है जो इस विचार को इस दुनिया में आने से और इसे हकीकत में बदलने से रोक सके। अब आप यह जरूर सोच रहे होंगे कि आखिर हमारा अवचेतन मन किन विचारों को सबसे जल्दी एक्सेप्ट करता है और कैसे हम जल्दी से जल्दी अपने विचारों को अवचेतन मन तक पहुंचाएं। मित्रों, हमारे मन में हर वक्त विचार आते रहते हैं। 24 घंटे यानी एक दिन में कुल 60,000 से 70,000 विचार आते हैं, जिनमें से 90% विचार फालतू के होते हैं, जिनमें विचारों की प्रबलता और इच्छा शक्ति की घोर कमी होती है, इसलिए वे सारे विचार हमारे अवचेतन मन तक पहुंच ही नहीं पाते हैं। लेकिन वहीं जब आप किसी चीज के बारे में ज्यादा विचार करते हो तो वह विचार और भी ज्यादा प्रबल होता जाता है, और जैसे जैसे विचार प्रबल होता जाएगा वैसे वैसे उन विचारों की शक्ति भी बढ़ती जाएगी, फिर जैसे जैसे विचारों की शक्ति बढ़ती जाएगी वैसे वैसे वह अवचेतन मन की तरफ बढ़ता चला जाएगा, फिर जिस दिन वह अवचेतन मन तक पहुंच जाएगा उस दिन वह हकीकत में बदल जाएगा। यही प्रक्रिया है आपके विचारों का अवचेतन मन तक पहुंचना। जिन भी चीज के बारे में आप लगातार सोचते रहते हैं, दिन प्रतिदिन, दिन भर गंभीरता के साथ, पूरे दृढ़ विश्वास के साथ उसे सच मानकर सोचते रहते हैं, वो विचार आपके अवचेतन मन तक पहुंच जाता है और वही चीजें आपके आसपास घटित होने लगती हैं। लेकिन अगर आप अपने अकॉर्डिंग इसे प्रोग्राम करना चाहते हैं, आप अपने हिसाब से विचार डालना चाहते हैं, तो उसकी एक अलग विधि है, एक सरल विधि। दोस्तों, इस वीडियो के अगले भाग में मैं आपको वह तरीका बताऊंगा जिससे आप अपने किसी भी विचार को अवचेतन मन तक बड़ी आसानी से भेज सकते हो और उसे हकीकत में बदलते देख सकते हो। स्वामी विवेकानंद ने अवचेतन मन के बारे में एक बड़ी ही अच्छी बात कही थी कि एक विचार लो, उसे अपने जीवन का लक्ष्य बना लो, उसके बारे में सोचो, उसके सपने देखो, उसे जियो, अपनी मस्तिष्क, अपनी मांसपेशियों, नसों, शरीर के हर हिस्से को उस विचार में डूब जाने दो, बाकी के विचार को किनारे रख दो। यही सफल होने का सबसे सिद्ध तरीका है। दोस्तों, अगर आपको अपने मन के बारे में ऐसे ही ढेर सारी जानकारियां पानी है तो आप हमारे चैनल पर बने रहो। आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट में बताओ। बहुत अच्छी लगी तो इसे लाइक करो और ऐसे ही लाइफ चेंजिंग वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। तब तक मिलते हैं अगले इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। नमस्कार।